पासवर्ड कट के लिए कंट्रोल एक्स का यूज़ करते हैं, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास फॉन्ट वगैरह। होम के अंदर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेटिंग मैटर की कॉपी किसी दूसरे मैटर पे अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास अपने पास है मिनी टूल बार। मिनी टूल बार क्या चीज़ है, जब किसी टेक्स्ट का चयन किया जाता है तो सेमी ट्रांसपोर्ट बोर्ड में एक बॉक्स उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपने मिनी टूल बार बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल साइज होता है इसके अंदर 11 होता है और नॉर्मल फॉन्ट का नाम होता है कैलिबरी होता है। एमएस वर्ड में नॉर्मल फॉन्ट का नाम कैलिबरी होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइज़ को बढ़ाना ग्रो फॉन्ट और साइज़ को घटाना श्रिंक फॉन्ट कहलाता है। फिर क्या होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब पावर में ले जाने के लिए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट नीचे ले जाने के लिए सबस्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास इसके अंदर फॉर्मेटिंग मैटर की कॉपी हटाने के लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। जैसे मैटर को बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ भी कर रखा है उसको हटाने के लिए फॉर्मेट पेंटर का क्लियर फॉर्मेटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अपने पास इसके अंदर इंसर्ट में जाके आप पिक्चर शेप क्लिप आर्ट स्मार्ट आर्ट या स्क्रीनशॉट आप यूज़ कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब को चुनने के बाद इसमें दो तीन ऑप्शन में लिखेंगे स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है जो सिंगल रो है उसको कई टुकड़ों में तोड़ना स्प्लिट कहलाता है। और एक होता है मर्सल। मर्सल का मतलब होता है खाली करना, जो टुकड़ों में रो है उसको सिंगल में कन्वर्ट करने के लिए अपने मर्सल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हेडर एंड फुटर। प्रत्येक परस्पर दोहराई जाने वाला मैटर हेडर एंड फुटर कहलाता है। प्रत्येक परस्पर दोहराई जाने वाला मैटर हेडर एंड फुटर कहलाता है ना। या पेज की जो क्लियरिटी है उसको बढ़ाने के लिए भी हेडर एंड फुटर का उपयोग किया जाता है। बुकमार्क हो गया, एक टेक्स्ट सिलेक्शन को नाम द्वारा पहचान देने हेतु, कैसे नाम द्वारा पहचान देने हेतु बुकमार्क का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक किसी दूसरी फाइल से लिंक बनाने या बाहरी डॉक्यूमेंट या आंतरिक डॉक्यूमेंट से जुड़ने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग करते हैं। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के होती है या कह सकते हैं अपने वेब पेज ईमेल या किसी दूसरी फाइल चित्र इमेज आदि से लिंक बनाने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग किया जाता है। और लिंक बनाने के लिए कंट्रोल की का यूज़ करते हैं। कंट्रोल दबाए रखेंगे हाथ का निशान आ जाएगा और लिंक तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास फिर क्या चीज़ इसमें शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। असेंडिंग ए टू जेड और डिसेंडिंग जेड टू ए कहलाती है। अलाइनमेंट फोर टाइप्स के होते हैं, सेंटर राइट लेफ्ट जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब हो गया दोनों साइड के लाइन को बराबर करने के लिए हम जस्टिफाई का यूज़ करते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ में प्रत्येक लाइन के बीच डिफ़ॉल्ट रूप से 1.15 का गैप होता है और पैराग्राफ में, ठीक ना, जो प्रत्येक लाइन के बाद 10 PT का गैप होता है, बाद में 10 PT का गैप होता है। इंडेंट का मतलब हो गया पैराग्राफ को दाएं या बाएं दोनों की तरफ से दूर की तरफ ले जाना इंडेंट कहलाता है। पैराग्राफ इंडेंटिंग कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैराग्राफ को लेफ्ट या राइट दोनों साइड से दूर की तरफ ले जाना पैराग्राफ इंडेंटिंग कहलाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास इसके अंदर चार्ट। इसमें अलग अलग प्रकार के चार्ट बना सकते हो, जैसे कॉलम लाइन पाई बार एरिया एक्स वाई स्टॉक सरफेस डॉगनट बबल और रेडार। ये सारे चार्ट के नाम याद रखने ना। मार्जिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्जिन में पेज को चार प्रकार से सेट कर सकते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और एक इसमें गटर ऑप्शन होता है। गटर की पोजीशन या तो लेफ्ट होती है या टॉप होती है, जिसे अपने पिनअप की जगह भी कहते हैं। ओरिएंटेशन टू टाइप का होता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ठीक है ना। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन कहलाता है, अर्थात लंबाई व चौड़ाई में पेज को सेट कर सकते हैं। वाटरमार्क, वाटरमार्क का मतलब छुपा हुआ टेक्स्ट हो गया, घोस्टेड टेक्स्ट हो गया, हल्का टेक्स्ट हो गया, बिहाइंड द कंटेंट हो गया, ये सारे वाटरमार्क कहलाते हैं। इसका अर्थात पेज के पीछे कुछ लिखने के लिए यूज़ करते हैं। फिर होता है इंडेंट, खिसकाना पेज को लेफ्ट या राइट दोनों से तरफ से खिसकाना इंडेंट कहलाता है। और एक होता है अपने पास सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन से फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसकी विजिबिलिटी बढ़ा कर सकते हैं, हाइट व हाइट कर सकते हैं, अर्थात उसका ऑर्डर भी हम चेंज कर सकते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश।